नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में, जिनको कि बीजेपी के द्वारा अभी चुन लिया गया है एज ए 15th CM ऑफ असम। ओके, तो अभी ये शपथ लेंगे बहुत जल्दी। और अभी ये जिसको रिप्लेस करने जा रहे हैं ना, तो उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पिछले 5 साल असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये उनकी फोटो है, सर्बानंद सोनोवाल की। तो ये यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा उनकी पिक्चर है। ओके, तो अभी पूरा सिनेरियो समझते हैं कि बीजेपी ने इनको ही क्यों सिलेक्ट किया, इनको कंटिन्यू क्यों नहीं करवाया। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी पिछली बार बीजेपी की सरकार थी। ओके, तो वहां पर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री था। ओके, तो बाद में जब दोबारा से इलेक्शन हुए तो बीजेपी के पास काफी सीट्स आई, हालांकि मेजोरिटी नहीं आई। उनका अलायंस था शिवसेना के साथ, तो सरकार बन रही थी लेकिन शिवसेना ने सपोर्ट नहीं की। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बीजेपी का पहला सीएम था ना, तो उन्होंने उसी को आगे फॉरवर्ड किया कि आप ही दोबारा से शपथ लो। जब एक बार शपथ ली थी तो यहाँ पर उनका नाम था देवेंद्र फडणवीस। ओके, तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे तो उन्हीं को कंटिन्यू करने की बात कही गई। लेकिन असम में ऐसा क्या हो गया कि इनको पीछे कर दिया और इनको आगे कर दिया। तो इन्हीं की गवर्नमेंट में जो पिछले 5 साल चली है, 2016 से लेकर 2021 तक, ये जो हेमंत बिस्व शर्मा है ना, तो ये इनके पास यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज था, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज था, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय थे जो इनके पास थे। ओके, तो अभी इनको सीएम बना दिया गया, इनकी कुर्सी दे दी गई है। तो अभी सिचुएशन समझते हैं क्या है। तो पहले सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं इनकी। तो अभी शर्मा एक ऐसी यहाँ पर पर्सनैलिटी है जो कि कांग्रेस से शिफ्ट करके यहाँ पर बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया था 2014 से, यहाँ पर जो जब 2014 की लोकसभा इलेक्शन थी उससे पहले। तो अगर मैं बात करूं ना, तो जो पिछले यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट चली है असम में, 15 साल तक लगातार तरुण गोगोई की सरकार रही है असम में। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वो, और तरुण गोगोई यहाँ पर सीएम रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और उनकी सरकार में भी ये जो हेमंत बिस्वा है ना, ये मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस की सरकार में भी। ओके, तो 2006 में भी जब सरकार बनी तब भी ये मुख्यमंत्री, तब भी यहाँ पर ये कैबिनेट मिनिस्टर थे। इनके पास यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का यहाँ पर मंत्रालय था। उसके बाद 2011 में जब सरकार बनी, फिर दोबारा इनको कांग्रेस में ही यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डिपार्टमेंट मिला, मंत्रालय मिला। तो अभी जब इनकी सरकार में ये काम कर रहे थे, जब ये बीजेपी में आए कांग्रेस को शिफ्ट करके, कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार है, फिर भी इनको यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये डिपार्टमेंट दिया गया। मतलब कि शुरू से ना इन्होंने यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ मंत्रालय में काफी काम किया, तो काफी तजुर्बा इनके पास है। ओके, तो इस तरीके से मतलब इनका पोलिटिकल करियर रहा है पीछे। और अभी ये आगे जब बीजेपी में आए, तो मतलब कि एक तरीके से ना इनकी कुर्सी को खतरा पहले से ही होना शुरू हो गया था जब इनकी सरकार चल रही थी पिछले 5 साल। तो अभी वही बात यहाँ पर की जा रही है कि 2014 यहाँ पर जब लोकसभा पहुंचे तब ये आए, तो यहाँ पर इक्वली यहाँ पर इनको ना यहाँ पर एक ही दर्जे से देखा जाता है, चीफ मिनिस्टर सोनोवाल। और यहाँ पर अगर हम बात करें हेमंत बिस्वा की, तो यहाँ पर एक जैसा ही प्रोमिनेंस है इनका, एक जैसा ही इन्फ्लुएंस यहाँ पर दोनों का देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, जो पार्टी जीती है 2016 के पोल्स में, बीजेपी जब जीती है, तो उसको यहाँ पर उसका जो तगमा है ना, तो यहाँ पर बिस्व हेमंत बिस्व को ही दिया जा रहा है। और इसके अलावा जब 2019 में भी, 19 में भी लोकसभा पोल्स में बीजेपी ने असम में बेहतर परफॉर्मेंस की है, तो उसको भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि हेमंत बिस्वा के ही चलते, मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। जैसे अभी देखो असम में CAA लगा हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत वहां पर NRC चल रहा था, NRC का काम चल रहा था, जिसके चलते ऐसा हुआ कि जिन जो बंदे 1971 से पहले यहाँ पर असम में रह रहे ना, तो अपनी वो सिटीजनशिप प्रूफ करें NRC के सामने। NRC का मतलब है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। तो वहां पर जो जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गए, जिन्होंने अपने आप को प्रूफ किया कि हम असम के सिटीजन हैं, 1971 के पहले से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको तो यहाँ पर NRC लिस्ट में यहाँ पर अलग कर दिया गया। लेकिन जो नहीं रह पा रहे थे ना, जो मतलब जो अपने आप को साबित ही नहीं कर पाए, तो उनको यहाँ पर एक NRC का यहाँ पर एक रजिस्टर बनाया, उसमें यहाँ पर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो यहाँ पर 19 और 20 लाख के आसपास इतने लोग हैं जो कि अभी इस लिस्ट में डाल दिए गए हैं, मतलब कि जिनके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है, उनको अभी डिटेनिंग सेंटर्स में अभी डाला जाएगा धीरे धीरे करके, और उन लोगों का क्या किया जाएगा अभी पता नहीं है। ओके, तो ज्यादातर यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव लिया गया था वो इसलिए लिया गया था कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम है ना, उनको निकाला जाए। मतलब उन्होंने एक तरीके से घुसपैठ की हुई है असम वाले एरिया में, जब ये 1971 की वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जब बांग्लादेश बना था उस समय बहुत सारे बांग्लादेशी मुस्लिम्स असम के एरिया में घुस गए थे। तो उनको निकालने के लिए यहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज भारत सरकार कर रही थी, जिसके चलते ना असम के जो अपने लोग थे
तो उनको भी यहाँ पर नाराजगी थी कि मतलब जो वहां पर रह रहे हैं काफी देर से, तो वो अपना डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, उनको यहाँ पर एनआरसी में डाल दिया। ओके, जहाँ पर जो फाइनल ड्राफ्ट है उसकी लिस्ट में डाल दिया। ओके, मतलब कि इनको डिटेन किया जा सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या करेंगे अभी कुछ पक्का नहीं पता है। बांग्लादेश की सरकार ने भी कहा था कि आप इनका क्या करोगे, क्या इनको वापस बांग्लादेश में तो नहीं भेजोगे। ओके, तो अभी उस समय होम मिनिस्ट्री ने ये जवाब दे दिया था कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो अभी उस सिचुएशन में भी ना इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से, हेमंत बिस्वा ने मतलब इस सिचुएशन को संभाला, इन चैलेंजेस को संभाला। ओके, तो इसके अलावा जो पैंडेमिक कोविड-19 है उस सिचुएशन को भी संभाला, तो हेल्थ मंत्रालय इन्हीं के पास था, अच्छे से यहाँ पर उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मर कांग्रेस लीडर रहे हैं और अच्छा खासा ना इनका मतलब दबदबा था, इनकी प्रेजेंस थी जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहां पर, तो इनके एफर्ट पहले से भी रहे हैं। तो मतलब जब सरकार में आए, सत्ता में, केंद्र में इनकी सरकार थी, तो मतलब और बढ़िया एफर्ट इन्होंने किए। तो कहने का मतलब इनकी लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में इतनी बढ़ गई, जिसके चलते जो सोनोवाल का जो कद था ना, मतलब वो गिरता हुआ बोना होता हुआ नजर आना शुरू हो गया। यहाँ पर यही बात करें कि मतलब ज्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ओके, सिर्फ होम मिनिस्ट्री को छोड़कर असम सरकार में ये संभाल रहे थे। ओके, तो होम मिनिस्ट्री जो थी वो सोनोवाल के पास थी, जो चीफ मिनिस्टर थे असम की। और यहाँ पर बात करें कि इनको कन्वीनर भी बनाया गया था। किसका कन्वीनर बनाया गया था? नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नेडा बोलते हैं। तो ये मतलब ये बीजेपी ने अलायंस बनाया है नॉर्थ ईस्टर्न की जो छोटी छोटी पार्टीज है उनके साथ, कि मतलब जो बीजेपी है ना उसको मजबूत किया जाए, इस अलायंस को मजबूत किया जाए नॉर्थ ईस्टर्न में। तो इस तरीके से इनका कन्वीनर जो मतलब कि जो इस नेडा को जो जिनकी देखरेख करेगा किस तरीके से चलाना है, तो उसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई। ओके, हेमंत बिस्व को, तो इन्होंने इसको भी यहाँ पर अच्छे से निभाया। और बीजेपी को मतलब एक तरीके का स्पेशल पर्पस व्हीकल दे दिया इस नेडा के रूप में, मतलब कि बीजेपी की जो पैंठ है ना उसको और स्ट्रांग करने की यहाँ पर मतलब कोशिश की गई। तो यहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस जो है एक्सपैंड कर दिया गया नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का, तो उसमें काफी अहम रोल रहा है हेमंत बिस्व का। तो यहाँ पर जो सोनोवाल की खुद अपनी प्रोफाइल थी वो भी मतलब एक तरीके से नीचे होती हुई यहाँ पर धीरे धीरे बनती गई हेमंत बिस्व के सामने, जिसके चलते अभी देखो आगे जो बात कर रहे हैं ना, तो मतलब जब ये पिछले 5 साल गुजरे हैं तो लोगों को तभी लगना शुरू हो गया था जो बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जो आम लोग थे। ओके, तो बहुत सारी बातें तो मैं आपको जो यहाँ पर असम के सिटीजन है ना उनके द्वारा भी मुझे ये बताया गया है कि मतलब किस तरीके से ये काम करते थे असम में। मतलब एक दिन में 15-15 रैलीज वगैरह करनी, मतलब जाना, मतलब ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब काम करना होता है, मीटिंग्स करनी होती है, जाके किसी का मतलब की प्रॉब्लम सुनना होता है, मैं इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि एक दिन में अलग अलग जगह पर जाना। तो मतलब पूरी मेहनत इन्होंने की है किस तरीके से मतलब काम करना है, किस तरीके से अपनी लीडरशिप दिखानी है, और उसी मेहनत का यहाँ पर फल है जो कि उनको आज एज ए अभी सीएम जो है ना वो अभी बनाया जाएगा असम में। ओके, तो इसके बारे में कोई भी यहाँ पर सीक्रेट नहीं था कि मतलब इनको क्यों आगे किया गया। तो ये नंबर 2 पे पहले भी रहे हैं, नंबर 1 पे यहाँ पर सोनोवाल थे, नंबर 2 पे यही रहे थे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सोनोवाल की बात करें तो वो भी फॉर्मर चीफ रहे हैं ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के, तो उनकी यहाँ पर ना अगर बात करें कि अच्छी खासी हमदर्दी थी यहाँ पर जितने भी पार्टी मेंबर्स थे उनके प्रति। ओके, तो मतलब उनको अच्छा खासा रिगार्ड भी मिलता था, तो उनकी एक इमेज थी एक सोबर पर्सन की। ओके, तो मतलब इनके ऊपर कोई भी ना करप्शन का चार्ज अभी तक नहीं लगा। अगर हम सोनोवाल की बात करें, अगर हम बात करें शर्मा की, तो इनके ऊपर लग चुके हैं। ओके, फिर भी यहाँ पर जो ना जो सिनेरियो है मतलब ज्यादा जो फेवर है ना पार्टी मेंबर्स का भी, वो शर्मा के ऊपर ही है कि मतलब हेमंत बिस्व को ही यहाँ पर आगे करो, इन्हीं को सीएम बनाओ, मतलब ये कैपेबल है। देखो जब लीडरशिप आती है ना तो मतलब उसको निभाना मतलब ये बहुत टफ होता है, तो हर जगह मेहनत लगती है, तो इनकी भी अपनी मेहनत है जिसके चलते ये आगे बढ़े हैं और इनको अभी सीएम बनाया गया है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, अपनी लीडरशिप है जिसको इन्होंने साबित किया है, लोहा मनवाया है अपनी लीडरशिप का, और जिसके चलते अभी बीजेपी भी यही चीज सोच रही है कि फ्यूचर कैसे बनाए बीजेपी का असम में। तो उसको ऐसा बंदा चाहिए जो मतलब कि आने वाले लंबे समय तक ना रूल करे असम में, जो बीजेपी की सरकार है वो रखे वहां पर। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको पीछे हटा दिया गया और इनको आगे कर दिया गया। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।